Let this heading dielectric medium or dielectrics. What are dielectrics? Material which show electric property without flow of charge in electric field. ऐसा material जो electric properties show करता है बिना charge flow के. Electric field में ऐसा material क्या कहलाता है? Dielectric कहलाता है. तो ऐसे material जिसमें कि charge नहीं flow करता वो क्या कहलाते हैं? Insulator कहलाते हैं. इस तरह से इलेक्ट्रिक इस तरह से डायलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर. डायलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर. डायलेक्ट्रिक क्या होते हैं? मतलब इंसुलेटर होते हैं और इसमें चार्ज नहीं फ्लो करता है. लेकिन ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज फ्लो करते हैं व्हेन प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड. जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज फ्लो होती है. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है. जैसे कोई एटम या मॉलिक्यूल होगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही रहता है. पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर क्या रहता है? एक ही रहता है. इधर देखिए कोई मॉलिक्यूल लेते हैं इंसुलेटर का तो उसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर क्या रहेगा? एक ही रहेगा. या कोई भी एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा उसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही रहता है. इसलिए मॉलिक्यूल या एटम जो होता है न्यूट्रल होता है. मॉलिक्यूल एटम जो होता है न्यूट्रल है. देखिए जैसे इंसुलेटर में पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर आर टू टाइप के बॉन्डेड देन दे कैन नॉट शिफ्ट बाय स्ट्रांग फील्ड. अगर इंसुलेटर होगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच इतना ज्यादा फोर्स होता है इतना फोर्स इतने स्ट्रांग फोर्स से बंधे रहते हो कि उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है, लेकिन डायलेक्ट्रिक में क्या होता है? डायलेक्ट्रिक में ये फोर्स थोड़ा वीक होता है. जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच थोड़ा वीक होता है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है वो पॉजिटिव प्लेट से दूर हो जाता है माने इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, और नेगेटिव चार्ज सेंटर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड शिफ्ट हो जाता है. इधर देखो जैसे पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर दोनों ही है लेकिन जब फील्ड में रखेगा तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर क्या होगा? नेगेटिव प्लेट पर चला जाएगा. नेगेटिव चार्ज सेंटर क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट पर आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव प्लेट पर जाएगा ये पॉजिटिव प्लेट पर जाएगा ये नेगेटिव प्लेट पर ये पॉजिटिव प्लेट पर. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर
पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर दोनों एक ही है। आप फील्ड स्ट्रेंथ पर रखे लेकिन पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर से नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड डायलेक्ट्रिक्स। डायरेक्टली भी इंसुलेट होते हैं लेकिन इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाता है तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर हो जाते हैं। और जबकि इंसुलेटर में पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर से कुछ नहीं होता। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फील्ड फील्ड की डिस्टेंस आप उसको रखिए ठीक है लेकिन इनमें कोई शिफ्टिंग नहीं है। लेकिन डायरेक्टिंग है तो उनमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर अलग अलग होता है। देखिए सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस ठीक है। तो ऐसे मटेरियल क्या कर लेंगे डायरेक्टली कर लेंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर नहीं शिफ्ट होगा। फील्ड स्ट्रेंथ कुछ भी आप रखिए ऐसे मटेरियल क्या कर लेंगे इंसुलेटर कर लेंगे। क्या कर लेते हैं इंसुलेटर परफेक्ट इंसुलेटर है परफेक्ट इंसुलेटर ये भी इंसुलेटर है लेकिन इसमें इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है ठीक है। तो हार्ड डायलेक्ट्रिक्स डायलेक्ट्रिक्स आर मटेरियल विद वैलेंसी प्रॉपर्टी विदाउट एब्जॉर्प्शन ठीक है। चलिए आपका डायरेक्टर लेकिन इस इंसुलेटर इसकी इंसुलेटिव प्रॉपर्टी इसकी इंसुलेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो हो रहा है इसमें इंसुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं शो हो रहा है। जैसे इसके डायरेक्टिक कीजिए मटेरियल डायरेक्टिक कीजिए मटेरियल डायरेक्टिक कीजिए मटेरियल डायरेक्टिक के मटेरियल विद सो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी विदाउट फ्लो ऑफ चार्ज। और इंसुलेटर क्या होते हैं इंसुलेटर आर मीडियम विद द सो एनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। तो डायरेक्टिक के मटेरियल विद सो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी विदाउट फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंसुलेटर में क्या हुआ मटेरियल मटेरियल व्हिच डज नॉट शो एनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मटेरियल व्हिच डज नॉट शो एनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल इज इन स्टेट ऑफ पार्टिकल इज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पार्टिकल इज इन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मटेरियल में डिफरेंस इंसुलेटिंग मटेरियल में डिफरेंस के लिए हुआ। देखिए डायलेक्ट्रिक में इंसुलेटर होते हैं लेकिन ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ करते हैं पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर गेट सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस ऑन प्लेसिंग इन इलेक्ट्रिक। लेकिन इंसुलेटर क्या होते हैं इनके पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच कोई शिफ्टिंग नहीं होती आपका डिस्टेंस चार्ज है। अच्छा डायरेक्टिक में बहुत ज़्यादा फील्ड बढ़ाइएगा तब फिर ये चार्ज डिपोलो करना चालू होता है ठीक है। ये अपने डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं।
चार महीने लगता है, क्या कहलाता है? डायलैक्टिक स्टेम कहलाता है वो पेड़, क्या कहलाता है? डायलैक्टिक स्टेम, मैंने इतने स्टेम तक के पेड़ बेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये हमने डायलैक्टिक प्रॉपर्टी जिस तरह करके कंडक्टर में बदलता है, ठीक। तो फेड हाइड्रिक्स डायलैक्टिक मटेरियल डिस्ट्रॉयड्स इन डायलैक्टिक प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट टू फ्लो थ्रू इट, इन्होंने डायलैक्टिक स्टेम, क्या बोला था? डायलैक्टिक स्टेम, ठीक है। तो डायलैक्टिक स्टेम क्या है? डायलैक्टिक स्टेम, डायलैक्टिक स्टेम जो है मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डायलैक्टिक मटेरियल डिस्ट्रॉयड डायलैक्टिक प्रॉपर्टी, डायलैक्टिक मटेरियल, डायलैक्टिक मटेरियल डिस्ट्रॉयड इस डायलैक्टिक प्रॉपर्टी, इस डायलैक्टिक प्रॉपर्टी, डायलैक्टिक प्रॉपर्टी एंड चेंजेस, एंड चेंजेस इनटू, एंड चेंजेस इनटू डायलैक्टिक प्रॉपर्टी एंड चार्ज स्टार्ट टू फ्लो थ्रू इट, चार्ज बहने लगेगा पूरे डायलैक्टिक्स। तो ये फील्ड जिस पर की ये फील्ड हमने हो रही है जिस पर की डायलैक्टिक के सर्व चार्ज बहने लगता है इस फील्ड पर, क्या कहता है? डायलैक्टिक स्टेम। तो इस मैक्सिमम फील्ड को बेयर कर सकता है, उसके बाद फिर अपनी डायलैक्टिक प्रॉपर्टी को खत्म कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता।